आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ 17 मार्च यानी गुरुवार की दोपहर को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे गोरखपुर। गुरुवार की शाम 4 बजे पांडेहाता चौराहे से होलिका दहन तक यात्रा में भी होंगे शामिल। सीएम योगी शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और श्री होलिकोत्सव समिति महानगर के परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में 8:30 बजे होंगे शामिल। सामाजिक समरसता का संदेश देती है गोरक्षपीठ की अगुवाई का रंगोत्सव। इस बार की होलिका दहन व भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। जीत की खुशी में इस बार और चटक होगा होली का रंग, आसमान से बरसेगा रंग और हवा में उड़ेगा गुलाल। होलिका दहन जुलूस गुरुवार की देर शाम व शनिवार को निकलेगी भगवान नरसिंह होलिकोत्सव शोभा यात्रा। अवैध संबंधों के कारण पत्नी ने अपने प्रेमी सोनू और उसके दोस्त कमलेश के साथ मिलकर घर पर ही की थी राजेंद्र सिंह की गला दबाकर हत्या। सहजना पुलिस ने मृतक की पत्नी गीता देवी और प्रेमी सोनू गुप्ता को किया गिरफ्तार। प्रेमी का दोस्त कमलेश है फरार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। उन्नीस मार्च को ही जिले में मनाया जाएगा होली का पर्व, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। महिला मित्र की आपत्तिजनक अश्लील फोटो व टिप्पणी करने वाले अभियुक्त को साइबर सेल व महिला थाने की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार, एसपी क्राइम ने किया खुलासा। मतगणना वाले दिन डीडीयू गेट पर अफसरों की गाड़ियों की चेकिंग करने वाले 100 व्यक्तियों के ऊपर कैंट पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सीसीटीवी के माध्यम से अभियुक्तों की जा रही है पहचान, एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने दी जानकारी। रामगढ़ताल में मिला युवक का पानी में तैरता शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रामगढ़ताल पुलिस ने शव को पानी में से निकलवा कर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। सीओ कैंट ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति हो जाएगी स्पष्ट, की जाएगी आगे की विधिक कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास कार्यों की एनेक्सी भवन के सभागार में की बैठक। रुके हुए विकास कार्यों को समय से पूरा करने के संबंधित विभागों को दिए निर्देश। विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदारी का कार्य बुधवार को भी रहा जारी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा एक प्रत्याशी ने खरीदा पर्चा, अब तक कुल 7 प्रत्याशियों ने खरीदा है पर्चा। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने जिले में होली व शबे बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ की गोष्ठी। होली व शबे बारात पर अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। यातायात नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों का चालान करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने राजघाट पर महिला विश्राम कक्ष का फीता काट कर किया उद्घाटन। थाने को सहयोग देने वाले व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों को माल्यार्पण व सील देकर किया सम्मानित। बुधवार से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ। सीएमओ ने कहा जिले के 1,88,818 बच्चों को माह के अंत तक करा लिया जाएगा टीकाकरण। होली और शबे बारात के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कैंज की अगुवाई में महानगर पुलिस ने किया मुख्य बाजारों, कस्बों, मॉल, सिनेमा हॉल का पैदल गश्त। सीओ कैंज श्याम देव बिंद ने कहा शांतिपूर्वक मनाए त्योहार। जिले में होलिका दहन को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे होलिका दहन। विश्वकर्मा भगवान के मंदिर का 90वां वार्षिक स्थापना दिवस पूजन हवन के साथ सकुशल हुआ संपन्न। भक्तों ने पूरे सृष्टि के रचयिता की पूजा अर्चना।
रंगों के त्योहार होली को लेकर जिले में हर तरफ दिख रहा है उत्साह। योगी मोदी का स्टिकर लगे पिचकारी की ज्यादा है डिमांड। बीस मार्च से लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से छठवां ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन। देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी लेंगे भाग। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और गोरक्षनगरी के प्राणी उद्यान पहुंचे असम से आए हर गौरी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होली के पूर्व असम से प्राणी उद्यान आए गैंडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अनावरण कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल।